सोलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहाँ पर आज के इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। इसके साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करूँ आपसे हम सबसे पहली न्यूज के बारे में। सबसे पहले जो न्यूज है वो फिलहाल यहाँ पर निकल जाती है Xiaomi की तरफ से। दोस्तों, Xiaomi अपना एक काफी अच्छा फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। इस स्मार्टफोन की जो कन्फर्म लॉन्च डेट है वो भी निकल करके आ चुकी है। यहाँ पर इस स्मार्टफोन का नाम है Mi Mix 4। ये Xiaomi की Mi Mix सीरीज का स्मार्टफोन है। Mi Mix 4 जो स्मार्टफोन है वो यहां पर 10 अगस्त को चाइना में लॉन्च होने जा रहा है। इस स्मार्टफोन में आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी वगैरह देखने के लिए मिल सकती है। तो ये पूरी डिटेल है। अब यहाँ पर Mi Mix 4 स्मार्टफोन 10 अगस्त को चाइना में लॉन्च होने जा रहा है। उसके बाद में मे बी ये जो स्मार्टफोन है सितंबर अक्टूबर के महीने में आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाए। बात करूं आपसे अगली न्यूज के बारे में। अगली जो न्यूज है फिलहाल यहाँ पर निकल जाती है टेक्नो की तरफ से। दोस्तों, टेक्नो पोवा 2 स्मार्टफोन कल यहाँ पर इंडिया में लॉन्च किया गया है। अब टेक्नो का एक नया स्मार्टफोन फिर से यहाँ पर कन्फर्म हो गया है। इस स्मार्टफोन का नाम है टेक्नो स्पार्क 8। टेक्नो स्पार्क 7 सीरीज ऑलरेडी यहां पर इंडिया में लॉन्च कर दी गई है। अब यहां पर टेक्नो स्पार्क 8 स्मार्टफोन गूगल सपोर्ट डिवाइस लिस्ट पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो गया है, जिससे इसका जो लॉन्च है वो कंफर्म हो जाता है। और दूसरी चीज ये है कि इस स्मार्टफोन के कुछ जो फीचर्स हैं वो सर्टिफाई होने के बाद में निकल करके आ चुके हैं। फीचर्स के बारे में बात करता हूं तो यहां पर गूगल प्ले कंसोल पर लिस्ट होने के बाद में ये चीजें कंफर्म हो गई हैं कि जो टेक्नो स्पार्क 8 स्मार्टफोन है उसमें आपको मीडियाटेक हेलियो P22 का प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है। दूसरी चीज, यहां पर आपको एंड्रॉइड 11 का जो सपोर्ट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर आपको 2GB की जो रैम है वो देखने के लिए मिलने वाली है और HD+ डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगी, वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले डिजाइन के साथ में। तो यार, ये अभी टेक्नो वाले फिर से P22 वगैरह पे आ गए, वो भी 2021 में। तो कम से कम यार मीडियाटेक हीलियो G35 वगैरह प्रोसेसर को यूज करना चाहिए, लेकिन अब P22 का पीछा ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं। अब देख करके ऐसा लगता है कि स्मार्टफोन 5000 से कम की प्राइस पे ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है। आपका क्या ओपिनियन टेक्नो के बारे में? क्या आप यहाँ पर टेक्नो के स्मार्टफोन को परचेज करना प्रेफर करते हैं? जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगली जो न्यूज है फिलहाल यहाँ पर निकल जाती है रियलमी की तरफ से। दोस्तों, रियलमी फ्लैश और रियलमी मेगा डॉट चार्जर कल यहाँ पर रियलमी की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है। यहाँ पर जो रियलमी फ्लैश स्मार्टफोन है उसकी लाइव इमेज वगैरह आप देख सकते होंगे, कुछ इस टाइप का स्मार्टफोन देखने के लिए मिलता है। और रियलमी मेगा डॉट चार्जर है वो बेसिकली एक वायरलेस चार्जर है। आपको 50 वाट तक का जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो देखने के लिए मिलती है। उसके साथ में 15 वाट का उन लोगों ने एक और चार्जर यहाँ पर लॉन्च किया है। और जो रियलमी फ्लैश स्मार्टफोन है वो Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर पे यहाँ पर देखने को मिलेगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में। ये भी चीजें कल यहाँ पर कंफर्म कर दी गई हैं। और यहाँ पर जो रियलमी फ्लैश स्मार्टफोन है वो बहुत जल्दी आपको चाइना वगैरह के साथ में काफी सारी और भी कंट्रीज, इनफैक्ट यहाँ पर इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। अब आपका क्या कहना है इस वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में? जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, बात करूं आपसे पर अगली न्यूज के बारे में। अगली जो न्यूज है वो भी निकल गया थे रियलमी की ही तरफ से। कल यहां पर दोस्तों रियलमी का आस्क माधव एपिसोड था, जहां पर वो लोग जो भी क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है उसका वो लोग आंसर करते हैं, जो कि माधव सर की तरफ से होस्ट किया जाता है। अब यहां पर कल उस एपिसोड में रियलमी के कुछ जो नए लॉन्चेस हैं वो यहां पर कंफर्म कर दिए गए हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको इन्फॉर्म कर ही चुका हूं कि रियलमी GT और रियलमी GT मास्टर एडिशन, ये दो स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहे हैं 18 अगस्त को इंडिया में। ये चीज भी कल यहां पर कंफर्म की गई थी। उसके साथ में दूसरी गुड न्यूज ये है कि Realme 8i और Realme 8s ये दोनों स्मार्टफोन भी कल यहां पर कंफर्म कर दिए गए हैं माधव सेठ की तरफ से उसी एपिसोड में। और यहां पर माधव सेठ ने कहा है कि आप इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन से स्मार्टफोन को पहले चाहते हैं कि इंडिया में लॉन्च किया जाए, क्या या फिर Realme 8 या फिर Realme 8s? तो इससे कहीं ना कहीं ये चीजें हिंट होती हैं कि दोनों स्मार्टफोन एक ही लॉन्च इवेंट में नहीं लॉन्च होने वाले हैं, अलग अलग लॉन्च इवेंट में अलग अलग डेट को ये जो स्मार्टफोन में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। यहां पर कहा यह भी जा रहा है कि जो Realme 8i और Realme 8s स्मार्टफोन होने वाले हैं वो Realme 8 सीरीज के सबसे सस्ते स्मार्टफोन निकल करके आने वाले हैं। इनफैक्ट Realme 8 स्मार्टफोन से भी इनकी जो प्राइजेस होगी वो इंडिया में कम होगी। और यहां पर ये जो स्मार्टफोन है वो 5G स्मार्टफोन होने वाले हैं। तो देखना होता है कि किस फीचर्स वगैरह के साथ में स्मार्टफोन आते हैं। वैसे Realme 8s के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको यहां पर MediaTek Dimensity 810 का प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। अब देखते हैं आखिर एक्चुअल में जब स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो किस फीचर्स वगैरह के साथ में स्मार्टफोन आता है। वैसे आप पूरा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगस्त के लास्ट वीक में Realme 8 या फिर Realme 8i या फिर Realme 8s स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, इतना चीज कंफर्म है। और मे बी Realme 8i या फिर Realme 8s इन दोनों स्मार्टफोन में से एक जो स्मार्टफोन है वो आपको 10-11 हज़ार रुपये की प्राइस पे इंडिया में देखने को मिल सकता है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।
दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो भी निकल जाती है रियलमी की तरफ से। यहाँ पर रियलमी के अगर आप स्मार्टफोन को परचेज करना चाहते होंगे तो रियलमी के स्मार्टफोन पे realme.com पे काफ़ी अच्छा जो डिस्काउंट है वो देखने के लिए मिल रहा है कुछ सेलेक्टेड स्मार्टफोन पे, जिसमें रियलमी 7 सीरीज है, रियलमी 8 सीरीज के स्मार्टफोन है, रियलमी नार्जो 35G स्मार्टफोन है, और यहाँ पर आपको कुल 6,000 रुपये तक का जो डिस्काउंट है वो देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर realme X3 Super Zoom स्मार्टफोन को खरीदते हैं तो इस स्मार्टफोन पे आपको 6,000 रुपये का जो डिस्काउंट है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो रियलमी के स्मार्टफोन पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है। अगर आपको कोई भी एक नया स्मार्टफोन लेना है आप realme.com पे विजिट करिए, वहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर अब जो स्मार्टफोन आपको परचेस करना है अगर उस पर डिस्काउंट मिल रहा है तो आप उस स्मार्टफोन के साथ में जा सकते हैं। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो निकल जाती है रेडमी नोट 11 सीरीज के स्मार्टफोन को लेकर के। दोस्तों यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जो रेडमी नोट 11 सीरीज के नए स्मार्टफोन आने वाले हैं वो 5G स्मार्टफोन होने वाले हैं, और यहाँ पर रेडमी नोट 11 सीरीज में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778 का जो 5G प्रोसेसर है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और मे भी कहा जा रहा है कि रेडमी नोट 11 या फिर रेडमी नोट 11 प्रो स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778 का जो 5G प्रोसेसर है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अब कुछ दिन पहले ये भी कहा जा रहा था कि रियलमी 9 सीरीज में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778 आने वाला है, अब यहाँ पर लीक्स आ रही हैं कि रेडमी नोट 11 सीरीज के स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778 का 5G प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। देखते हैं आखिर इंडिया में जो रेडमी नोट 11 सीरीज के स्मार्टफोन है वो आखिर किस प्राइस पॉइंट पर और किस फीचर्स के साथ में इंडिया में लॉन्च होते हैं। ये फिलहाल एक लीक है, अब देखना होता है क्या चीजें सही निकल करके आती हैं, क्या चीजें गलत निकल करके आती हैं, लेकिन जो भी अभी तक लीक्स हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर दे रहा हूं। बात करूं आपसे पर अगली न्यूज के बारे में, अगली जो न्यूज है वो फिलहाल यहां पर निकल करती है जियो की तरफ से। दोस्तों जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो 5G को लॉन्च करने में लगी हुई हैं और वो लोग काफी जगहों पे यहां पर 5G की टेस्टिंग भी कर रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि जियो के 5G नेटवर्क और जियो के 5G सिम वगैरह को लेकर के कुछ जो डिटेल्स हैं वो निकल कर आ चुके हैं। कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट आई थी कि एयरटेल का जो एग्जिस्टिंग 4G सिम है उसी पे 5G नेटवर्क रन करने वाला है, सिम चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अब यहां पर जियो के केस में ये कहा जा रहा है कि सिम करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो अभी 4G सिम है वो यहां पर 5G नेटवर्क की स्पीड को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए हमें यहां पर सिम को भी एक्सचेंज करना पड़ेगा। और कहा यह जा रहा है कि जियो की तरफ से हमें फ्री में जो 5G सिम है वो यहां पर देखने के लिए मिल सकता है। आप 4G अपना सिम दे देंगे और आपको 5G सिम मिल जाएगा, कुछ इस टाइप की बातें निकल करके आ रही हैं। अब एक्चुअल में तो ये सभी चीजें तभी पता चलेंगी जब जियो का 5G नेटवर्क लॉन्च हो जाएगा और यहां पर सिम वगैरह एक्सचेंज करने की बात आएगी, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी चीजें निकल करके आ रही हैं। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। बात करूं आपसे पर अगली न्यूज के बारे में, अगली जो न्यूज है फिलहाल यहां पर निकल जाते हैं रियलमी 9 सीरीज के स्मार्टफोन के प्रोसेसर को लेकर के। दोस्तों इन स्मार्टफोन के बारे में काफी कुछ जो र्यूमर्स है वो डे बाय डे निकल करके आ ही रहे हैं। अब यहां पर कहा यह जा रहा है कि जो रियलमी 9 स्मार्टफोन आने वाला है इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा, और जो रियलमी 9i स्मार्टफोन आएगा उसमें आपको मीडियाटेक हीलियो G96 का जो नया प्रोसेसर लॉन्च हुआ है वो देखने को मिल जाएगा। यानी जो रियलमी 9 स्मार्टफोन है वो 5G होगा और जो रियलमी 9i स्मार्टफोन आएगा वो 4G होगा। तो देखते हैं फिलहाल क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, लीक्स आ रही हैं, मैं आपके साथ में शेयर कर दे रहा हूं। अब जब कंफर्म चीज़ें आएंगी तब इन सभी चीज़ों का पता ओरिजिनली में चल पाएगा। तो दोस्तों फाइनली ये है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए। अब आपका क्या कहना है सभी चीज़ों के बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इतना उस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिएगा, इसके साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।